हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया। और ये जो अपडेट हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के, यानी कि CGL एग्जाम को लेकर के यह नोटिस है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं बताता हूँ कि क्या है। तो ये है अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज एलोंग विद कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट ऑफ CGL टायर 1 2021 एग्जाम। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम लिख चुके हैं CGL 2021 एग्जाम के, उसका जो है आंसर की और साथ साथ में कैंडिडेट्स के रेस्पॉन्स सीट को अपलोड कर दिया गया, इसी को लेकर के यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले है CGL टायर 1 2021 वाज कंडक्ट बाय द कमीशन फ्रॉम 11/4/2022 से 21/4/2022 ए डिफरेंट सेंटर ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 अप्रैल 2022 से लेकर के 21 अप्रैल 2022 तक डिफरेंट सेंटर में इसका एग्जाम हुआ है। द कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स सीट एलोंग विद द कैंडिडेट्स आंसर की आर नाउ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो। द कैंडिडेट्स में लॉग इन इन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो बाई यूजिंग दे रजिस्ट्रेशन लॉग इन ID एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे है कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स शीट साथ साथ में आंसर कीज को अवेलेबल कर दिया गया है। जो नीचे दिया गया है लिंक है वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है अपना रजिस्ट्रेशन लॉग इन ID और साथ साथ पासवर्ड डाल करके उस लिंक में जा करके क्लिक करके अपने सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर की इफ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 2/5/2022 to 7/5/2022 ऑन पेमेंट ऑफ RS 100 पर क्वेश्चन आंसर चैलेंज। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 5 PM ऑन 7/5/2022 विल नॉट बी इंटरटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आंसर की दिया गया है उसमें अगर आप लोगों को कोई चीज़ करना है तो आप लोग जो उसके ऑनलाइन कर सकते हैं 2 मई से लेकर के 7 मई तक के बीच में कर सकते हैं, जबकि पर क्वेश्चन आप लोग 100 रुपये का हिसाब से चैलेंज्ड कर सकते हैं। और 5 बजे के बाद, जब 7 मई को, उसके बाद से आप लोगों का कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो डेट दिया गया है यहाँ 2 मई से लेकर 7 मई, उसके बीच में आप लोग अपना जो है चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है या फिर आंसर की में कुछ चेंजेस चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफिक टाइम लिमिट। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि जितने भी डेट दिया गया है उसके बीच में आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो डेट रहेगा चाहे उसके बाद से आप लोग उस चीज़ों को नहीं पा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते हैं। तो ये आप लोग डेट को ध्यान रखना है, तो आप लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये जो है ब्लू कलर का लिंक फॉर कैंडिडेट रेस्पॉन्स टेंटेटिव आंसर की एंड सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो पेज खुलेगा उस पेज में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो है आपका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जा करके भी देख सकते हैं। तो यही एक अपडेट है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि CGL टायर 1 एग्जामिनेशन 2021 का लिख चुके हैं उनका आंसर की और साथ साथ में कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी अपडेट है SSC की ओर से।